Assalamu alaikum and welcome back to my channel, that is Conceptual Science. So today we are going to talk about anemia and its types. सबसे पहले मैं आपको बता दूं anemia होता क्या है. Anemia कहते हैं deficiency of hemoglobin को, ठीक है. यानी कि RBC, जो कि हमारे पास एक red blood cell था जिसके हमने बात करी थी, red blood cell में मौजूद जो hemoglobin था उसके अंदर अगर कमी आ जाए तो हम उसे कहते हैं anemia. Anemia किन वजहों की वजह से हो सकता है? Anemia की दो causes हो सकती हैं. या तो फिर सबसे नंबर वन कॉज ये हो सकता है कि रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएं, ठीक है. रेड ब्लड सेल काउंट हमने कितना पढ़ा था, 5.5 मिलियन इन मैन एंड 4.5 to 5 मिलियन इन फीमेल्स. अगर ये लेवल हमारे पास 5 से कम हो जाए और ये 4.5 से कम हो जाए तो हमारे पास ये कंडीशन क्या कहलाएगी, एनीमिया कहलाएगी. इसके अलावा हीमोग्लोबिन की जो कंसेंट्रेशन हमने पढ़ी थी, जो हमने पढ़ी थी 15 ग्राम्स, ठीक है, 15 ग्राम्स जो हमने पढ़ी थी, अगर वो 15 से कम हो जाए, 10 इतनी कम हो जाए कि 10 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एनीमिया कहेंगे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एनीमिया की जो क्लासिफिकेशन है वो तीन तरीके से की जा सकती है, जिसमें एक आता है माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक. नाम से आपको डिफाइन किया जा रहा है, माइक्रो का मतलब छोटा, नॉर्मो मतलब नॉर्मल, मैक्रो मीन्स बड़ा. तो अब इसका क्या मतलब है मैं आगे आपको डिफाइन करूंगा. देखें, नॉर्मोसिटिक का मतलब नॉर्मल, यानी कि जो आरबीसी का साइज होगा, आरबीसी का जो वॉल्यूम होगा सेल का, वो नॉर्मल होगा, ठीक है. माइक्रो मतलब छोटा, तो आरबीसी का वॉल्यूम जो होगा वो छोटा होगा नॉर्मल के मुकाबले में. और मैक्रो का मतलब आरबीसी का जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल के मुकाबले में बड़ा होगा. इसको हम आगे एमसीवी वैल्यू की तरह भी देख सकते हैं. जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी कि आरबीसी का जो वॉल्यूम होता है हम उसे कहते हैं मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम या एमसीवी, जिसकी नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको बताई थी अराउंड 90 to 95 होती है, ठीक है. अगर 80 to 100 के बीच में भी अगर ये वैल्यू आती है तो हम इसे नॉर्मल कहेंगे, ठीक है. लेकिन अगर आरबीसी का वॉल्यूम 80 से कम हो जाता है, यानी कि मीन वॉल्यूम आरबीसी का 80 से कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे माइक्रोसिटिक, ठीक है. और अगर उसका जो वॉल्यूम है वो 100 से ऊपर हो जाता है, जैसे कि हमने माइक्रोसिटिक में देखा, तो हम इसे कहेंगे माइक्रोसिटिक टाइप ऑफ एनीमिया, ठीक है. अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर एक के अंदर उसकी क्लासिफिकेशन के अंदर उसकी टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ एनीमिया अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन इज माइक्रोसिटिक की जो फॉलोइंग आपके पास टाइप्स हैं वो ये हैं. जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी में आपको माइक्रोसिटिक दिखेगा. इस बात का क्या मतलब है, जब आयरन डेफिशिएंसी होगी तो आपके पास जो रेड ब्लड सेल्स का साइज होगा वो माइक्रोसिटिक होगा, मींस 80 से छोटा होगा. दूसरा, आपके पास थैलेसीमिया है, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया है एंड क्रॉनिक ब्लड लॉस है. क्रॉनिक ब्लड लॉस के अलावा एक्यूट ब्लड लॉस भी हो सकता है. तो एक्यूट ब्लड लॉस जो है उसमें आपको आरबीसी के साइज नॉर्मल लगेंगे, लेकिन आपके पास जो हीमोग्लोबिन होगा वो आपके पास 10 ग्राम से कम होगा, या फिर आपके पास रेड ब्लड सेल का जो काउंट है वो आपके पास 5.5 से कम होगा. नेक्स्ट, इसके अंदर क्या आते हैं, हीमोलिटिक एनीमियास, ए प्लास्टिक एनीमियास, ये तमाम जितनी भी टाइप्स है उसको मैं आगे जाके अपनी वीडियो में डिफाइन करूंगा. फिलहाल हम सिर्फ ऊपर से रिव्यू कर रहे हैं कि किनका कौन किस क्लासिफिकेशन में सेट होता है. नेक्स्ट आपके पास है मैक्रोसिटिक एनीमिया. मैक्रोसिटिक एनीमिया के अंदर आपके पास वाइटामिन बी12 की डेफिशिएंसी आती है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मेगालोब्लास्ट बन जाते थे. साथ में आपके पास अल्कोहल अब्यूज, लिवर डिजीज और हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर भी मैक्रोसिटिक एनीमिया आता है, ठीक है. तो अब हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनीमिया के ऊपर, ठीक है. पहले हमने बात कर ली कि माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक्स होते हैं एनीमिया, ठीक है. अब हम एक एक को अलग अलग डिफाइन करेंगे. सबसे पहले हमारे पास आता है ब्लड लॉस एनीमिया. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रॉनिक ब्लड लॉस जो होता है वो आपके पास आता है माइक्रोसिटिक में, और जो एक्यूट ब्लड लॉस होता है वो आपके पास आता है नॉर्मोसिटिक में. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्यूट लॉस जो है वो रिकवर कर जाता है 3 to 6 वीक्स में, लेकिन अगर मजीद ब्लड लॉस होना शुरू हो जाए, वो क्रॉनिक बन जाए, तो क्रॉनिक ब्लड लॉस आपके पास किस में आएगा, कौन सी टाइप में आएगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया में आएगा, ठीक है. इसकी फिजियोलॉजी समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल सी बात है. नेक्स्ट आपके पास आता है ए प्लास्टिक एनीमिया. अब ए प्लास्टिक एनीमिया होता है आपके पास बोन मैरो डिस्फंक्शन की वजह से. बोन मैरो डिस्फंक्शन किस वजह से होती है, बोन मैरो में डिस्फंक्शन रेडिएशन की वजह से हो सकती है, किसी कीमोथेरेपी की वजह से हो सकती है कैंसर पेशेंट्स में, जैसे कि हम देखते हैं, या फिर किसी केमिकल की वजह से हो सकती है, आपके पास गैसोलीन वगैरह इनकी वजह से भी हो सकती है. ए प्लास्टिक एनीमिया में होता क्या है, बोन मैरो डिस्फंक्शन का मतलब हेमेटोपोइसिस जो होती है वो आपकी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं. रेड ब्लड सेल्स जब कम बनते हैं तो आपके पास हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है. दैट इज व्हाट एनीमिया इज. नेक्स्ट आपके पास है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसकी लास्ट वीडियो में भी मैंने बात की थी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की, जिसमें मैंने बताया था आपको बी12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है. उसमें हमने बात की थी कि किस तरह से जब विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड आपके पास एब्जॉर्ब नहीं हो पाते,
तो आपके पास क्या होगा, जो डीएनए सिंथेसिस है वो कम हो जाएगी। डीएनए सिंथेसिस कम होगी तो आपके पास जो आरबीसीज हैं वो आपके पास इमेच्योर फॉर्म में बनना शुरू हो जाएंगे, बहुत बड़े आरबीसीज बनेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में जब वो सर्कुलेट करते हैं तो उनकी जो हाफ लाइफ है वो शॉर्ट हो जाती है। नॉर्मली हमारे पास ब्लड का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज का होता है, लेकिन जब हमारे पास मेगालोब्लास्ट होते हैं वो मेगालोब्लास्ट का जो हाफ लाइफ है वो बहुत कम होकर 20 डेज 30 डेज तक आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो स्प्लीन के अंदर से गुजर रहे होते हैं कैपिलरीज में से तो उसके उसकी डिस्ट्रक्शन जल्दी हो जाती है और आपके पास आरबीसीज की जो प्रोडक्शन है, नंबर ऑफ आरबीसीज है वो आपके पास कम हो जाते हैं। जब आरबीसीज कम हो जाएंगे तो आपके पास हीमोग्लोबिन टोटल कम हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी, एंड अगेन इट इज टाइप ऑफ एनीमिया। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट हेमोरेटिक एनीमियाज। व्हाट आर हेमोरेटिक एनीमियाज? सबसे पहले तो हेमोरेटिक एनीमिया को हमें समझने के लिए इसके वर्ड को समझना पड़ेगा। हीम मींस ब्लड, लिटिक मींस टू डाई। सो हेमोरेटिक एनीमिया इज बेसिकली द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। व्हाट डज इट मीन? जब आरबीसी नॉर्मल साइज आरबीसी का क्या होता है, जो शेप होती है वो होती है बाइकॉनकेव शेप, लेकिन हेमोरेटिक एनीमियाज में क्या होता है, उसकी शेप डिफरेंट हो जाती है, या तो स्फीयर हो जाती है, या सिकल शेप हो जाती है, या एबनॉर्मल शेप हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्प्लीन में गुजरते हुए फंस जाता है, जिसकी वजह से उसकी हाफ लाइफ कम हो जाती है। 120 डेज आर नॉर्मल हाफ लाइफ ऑफ ब्लड आरबीसीज, बट ड्यू टू हेमोरेटिक एनीमिया आपके पास क्या होता है, वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, आरबीसीज की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, एंड एट द एंड ये एनीमिया कॉज कर लेता है। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद स्पेरोसाइटोसिस। व्हाट इज स्पेरोसाइटोसिस? नाम से बता रहा है, स्पेरो यानी स्पेयर, तो इसमें जो आरबीसी की शेप होती है वो स्पेयर हो जाती है, जबकि नॉर्मली हम देखते हैं जो आरबीसी की शेप है वो है बायकॉनकेव शेप, लेकिन स्पेरोसाइटोसिस में स्पेयर शेप बन जाती है, जिसकी वजह से वो कैपिलरीज में फंस जाता है एंड डिस्ट्रॉय होकर इसके आरबीसीज कम हो जाते हैं, इवेंचुअली एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की फिजियोलॉजी क्या है? इसमें मौजूद होता है हीमोग्लोबिन, जो नॉर्मली आरबीसीज में मौजूद होता है, जो हीमोग्लोबिन ए है उसमें मौजूद होता है 2 बीटा चेन्स एंड 2 अल्फा चेन्स, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन एस होता है जिसके अंदर एक बीटा चेन जो होती है वो फॉल्टी होती है। उस बीटा चेन के फॉल्टी होने की वजह से जो उसमें ऑक्सीजन की कैपेसिटी है कंबाइन होने की, वो आपके पास कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन सही से कंबाइन नहीं होता तो आरबीसी अपनी शेप चेंज कर लेता है। किस तरह की शेप बना लेता है? सिकल शेप बना लेता है, ठीक है, हमने सिकल देखे ना, सिकल की शेप बना लेता है वो, जिसकी वजह से क्या होता है, वापस आपके पास डिस्ट्रक्शन हो जाती है आरबीसी की, कहां पर? स्प्लीन में, कैपिलरीज में। थर्ड आपके पास है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस की आगे हम जाके बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें होता क्या है। इसमें जो फीटस होता है, जो बेबी होता है, उसका अगर जो ब्लड ग्रुप है अगर वो पॉजिटिव है और मदर का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि मदर के जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप के एंटीबॉडीज है, जो एंटीबॉडीज है वो पॉजिटिव के खिलाफ उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मदर के एंटीबॉडीज बेबी के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके खिलाफ अटैक करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड इवेंचुअली आरबीसीज का काउंट कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, एंड आपके पास हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इफेक्ट्स ऑफ एनीमिया ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एनीमिया किस तरह इफेक्ट कर रहा है वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट आता है हमारे पास वो है ब्लड विस्कोसिटी। एनीमिया क्या करेगा, जब आपके पास एनीमिया होगा, रेड ब्लड सेल काउंट कम होगा, तो आपके पास आरबीसीज कम हो जाएंगे। आरबीसीज कम होने की वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, जिसमें जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी। विस्कोसिटी कम होने का मतलब गाढ़ापन कम हो गया है, अब ब्लड के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम किसी चीज को देखते हैं, अगर कोई चीज स्मूथ है यानी कि गाढ़ी नहीं है, विस्कोसिटी अगर उसकी कम है, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसका फ्लो तेज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड का फ्लो जो है वो तेज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट पर पंप लोड ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं यहाँ पे पंपिंग लोड हार्ट पे बढ़ जाएगा। तो एनीमिया का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे होता है, डायरेक्ट हार्ट पे होता है, इसका पंपिंग लोड इंक्रीज हो जाता है। सो हियर इट एंड्स द टॉपिक ऑफ एनीमिया। बाकी जो एनीमिया की टाइप्स थी उनपे हम जो है वो डिटेल में बात कर लेंगे पैथोलॉजी में। डू लेट मी नो ऑन कमेंट सेक्शन कि आपको कौन से टॉपिक समझना है, तो मैं पहले उसकी वीडियो बनाऊंगा। बाकी इस टॉपिक में, इस एनीमिया के जो वीडियो में मैंने जो टॉपिक्स कवर किए हैं उनकी मैंने आपको सिर्फ फिजियोलॉजी बताई है, पैथोलॉजी के लिए हम पैथोफिजियोलॉजी पे बात करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियोस में आएगा। सो मूविंग फॉरवर्ड टू लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर 33, दैट इज पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया दो तरीके का होता है, वन इज सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया एंड अदर इज पॉलीसाइथीमिया वेरा। दिस सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया इज ऑल्सो अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन एंड पॉलीसाइथीमिया वेरा इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ पॉलीसाइथीमिया।
सो व्हाट हैपेंस हियर कि जो शुरू में हमने वीडियो के बात करी थी कि जो माउंटेनियस रीजन में लोग रहते हैं उनमें ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है. जब ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है तो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है. तो दिस कंडीशन इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन और ये फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया या फिर सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया भी कहलाता है क्योंकि इसमें आरबीसी की प्रोडक्शन 6 to 7 million के क्रॉस पहुंच जाती है. नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीसाइथीमिया वेरा. इसमें भी आपके पास आरबीसी की प्रोडक्शन जो है वो 7 to 8 million पहुंच जाती है. बट इसमें आपको डिफ्रेंशिएट अगर करना आना चाहिए फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल में तो पॉलीसाइथीमिया वेरा में क्या होता है. पॉलीसाइथीमिया वेरा में आपके पास हेमेटोक्रिट का भी इंक्रीज हो जाता है. हेमेटोक्रिट इंक्रीज हो जाता है 60 to 70%, जबकि हमें पता है नॉर्मल हेमेटोक्रिट कितना होता है 45%. सही. इसके अलावा पॉलीसाइथीमिया वेरा में होता क्या है, देयर इज अ जेनेटिक एब्रेशन, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती है जिसमें इराइथ्रोपोएटिन, जैसे कि हमने देखा था इराइथ्रोपोएटिन क्या करता है, बोन मैरो में जाके बोन मैरो के रिसेप्टर्स में जाके लग जाता है और रेड ब्लड सेल या अदर सेल्स की प्रोडक्शन करवाता है. लेकिन यहाँ पे होता है एक जीन में एब्रेशन आ जाती है, एबनॉर्मलिटी आ जाती है और वो बोन मैरो में जाके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, ना सिर्फ आरबीसी की बल्कि बाकी तमाम सेल्स की भी, जैसे कि आपके पास न्यूट्रोफिल्स है, आपके पास मैक्रोफेजेस है, इन तमाम सेल्स की भी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास सिम्टम्स नजर आते हैं, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, ऑरिजिनोफिल्स का रिएक्शन हो रहा होता है, एलर्जिक रिएक्शन हो रहे होते हैं. तो पॉलीसाइथीमिया वेरा में आपको नजर क्या आएगा, बोन मैरो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से आपके पास रेड ब्लड सेल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, आपके पास न्यूट्रोफिल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, आपके पास प्लेटलेट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पॉलीसाइथीमिया ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम. जैसा कि हमने एनीमिया में पढ़ा था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम पे इफेक्ट आ रहा था उसमें हमने देखा था विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही थी, लेकिन यहाँ पर विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है. एनीमिया में जो रेड ब्लड सेल्स था उसका काउंट कम हो रहा था, लेकिन पॉलीसाइथीमिया में रेड ब्लड सेल्स का काउंट क्या है, इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी बढ़ रही है. विस्कोसिटी बढ़ने की वजह से जो रेजिस्टेंस आ रही है ब्लड फ्लो में वो भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ब्लड फ्लो जो है वो आपका स्लो हो जाएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्रीज वेनस रिटर्न टू द हार्ट. जब ब्लड फ्लो जो आपकी रेजिस्टेंस है जब बढ़ जाएगी तो हार्ट तक ब्लड थोड़ी देर से पहुंचेगा. एक और चीज इसमें आप नोट करेंगे कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ब्लड वॉल्यूम. जब ब्लड वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है. एक तरफ ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक तरफ ब्लड देर से हार्ट पे पहुंच रहा है. तो ये दोनों रिएक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट है. तो इवेंचुअली ये क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और कार्डियक आउटपुट जो होता है आपका वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. किस तरीके से, यहाँ पे रिटर्न तो लेट हो रहा है लेकिन आपके पास इतना ज्यादा वॉल्यूम है कि वो उसको एट द टाइम पहुंचा देता है. ठीक है. इसके अलावा एक और चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि साइनोटिक कलर, जो जिन लोगों को पॉलीसाइथीमिया में वेरा होता है उनकी जो स्किन होती है उसमें साइनोटिक कलर होता है, यानी ब्लूइश कलर होता है. उसकी वजह यह है जब वो पेरिफ्रीज से ब्लड गुजर रहा होता है तो क्योंकि वेनस रिटर्न है, यानी कि वेनस की तरफ वेन्स में है और ये कलर थोड़ा ब्लूइश होता है, थोड़ा डार्क कलर होता है बनिस्बत रेड ब्राइट रेड के, तो जब वो गुजर रहा होता है थोड़ा स्लगिश होता है, स्लो होता है. स्लो होने की वजह से जो आपकी स्किन पे कलर शो कर देता है वो ब्लू कलर शो करता है. इसकी वजह से आप तभी आप पहचान सकते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो स्किन का कलर होता है वो थोड़ा ब्लू ब्लू आपको नजर आएगा. सो हियर इट एंड्स द चैप्टर नंबर 33 ऑफ आवर रेड ब्लड फिजियोलॉजी. For more videos, please like, comment and subscribe my channel. And do let me know के how you like the video. And do let me know के आपको और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे वीडियोस मेरी बननी चाहिए. Thank you.